आज मैं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कटनी में आज हो रही प्रदेश पदाधिकारी विस्तार कार्य समिति बैठक में पार्टी 2023 के रणनीति और आगामी चुनाव पर मंथन किया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 200 से अधिक सीटें दिलाना है और हर बूथ पर 55% से आगे ले जाने का कार्य करना है। केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के कार्य और पेशा एक्ट से जनजातीय समुदाय को सम्मानित करने का कार्य सरकार कर रही है। बैठक में व्यापक रूप से 2023 के लिए रणनीति बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा लगातार आम जन की समस्याएं और सुविधाओं पर कार्य किया जा रहा है। राहुल गांधी से अरे भाई पहले पूछना चाहता हूँ, 1962 भी याद कर लो राहुल गांधी, तब देश की हालत क्या थी? चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था? जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे। आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। इस बैठक के अंदर मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने बहुत पहले एक संकल्प लिया है कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लेकर के आना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने आज इस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी माननीय नड्डा जी गुजरात की टीम का भी इस बात को लेकर के अभिनंदन किया है कि गुजरात के अंदर एवरेज 53% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये राजनीतिक इतिहास में